ऐसा है, मानधाता से जब इन्होंने जन आशीर्वाद शिवराज भाई ने यात्रा निकाली, तुलसी सिलावट इस यात्रा की अगुवाई कर रहे थे, आरंभ में ही मानधाता के लोगों ने इनकी बुरी दशा कर दी, तुलसी सिलावट को बोलने नहीं दिया, उल्टे पैर भागना पड़ा। किस बात का जन आशीर्वाद मांग रहे हैं समझ में नहीं। इसलिए कि जब दिग्विजय सिंह साहब ने सरकार छोड़ी थी 2003 में, मात्र 25,000 करोड़ का कर्जा था मध्य प्रदेश, आज 4,00,000 करोड़ के कर्जे में प्रदेश को डुबो के जन आशीर्वाद मांगने निकल रहे हैं। महंगाई चरम सीमा पे है, इसलिए आप जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। नौजवान बेरोजगार है, किसान आत्महत्या कर रहा, उसकी फसल का मूल्य नहीं मिल रहा। भूरे जी ने बता दिए सारी बातें कि सूखा पड़ा, कोई नहीं गया, अतिवृष्टि हो गई, अभी फसलों का नुकसान हुआ, कोई नहीं जा रहा। पटवारी जाए कहाँ से? भूरे जी, पटवारी हड़ताल पे बैठा है, जमीन का आदमी हड़ताल पे बैठा जाएगा कैसे? भाजपा के इन लोगों ने उस जमीन के आदमी की बात भी, उसकी मांग भी नहीं मान रहे। हम लोग जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से याद दिलाना चाहते हैं मध्य प्रदेश की जनता को कि आपने तो बड़ी ईमानदारी के साथ 2018 में हमारी सरकार को आशीर्वाद दिया था। भूरिया जी के शब्दों में, भाजपा के चोरों ने हमारी सरकार चुरा ली, उसमें मध्य प्रदेश की जनता की कोई गलती नहीं है। तो हम निकलेंगे फिर उस रास्ते पे जो रास्ता जनहित की ओर जाता है।